दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल आंचल टेल्स में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जेट प्लांट को कटिंग से कैसे ग्रो किया जाए। कुछ लोगों की जेट प्लांट की कटिंग जो है फेल हो जाती है, उसके पीछे क्या कारण रहते हैं वो सब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम अपने जेट प्लांट की कुछ कटिंग्स ले लेते हैं। ये मेरा जेट प्लांट है लगभग एक साल पुराना और काफ़ी देखिए लंबा सा हो गया है, इसकी टहनियाँ काफ़ी नीचे लटकने लगी हैं। तो इस तरीके से कटिंग करने से हमारा ये वाला प्लांट भी बुशी हो जाएगा और हमारे कुछ नए प्लांट्स भी फ्री में तैयार हो जाएंगे। तो एकदम से यंगर शूट को मत लीजिएगा, जो थोड़ी सी ब्राउन हो वहाँ से भी जो है उस हिस्से को जोड़ते हुए हम अपनी कटिंग को कट करेंगे। वैसे जेट प्लांट की हमारी छोटी से छोटी कटिंग भी लग जाती है, लेकिन थोड़ी सी मैच्योर कटिंग लीजिए। एकदम से हरी कटिंग जो बहुत ही सॉफ्ट होती है, उस कटिंग को लगने में थोड़ा सा दिक्कत भी आती है और रूट्स बनने में टाइम लगता है। बहुत ही हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स, पूरे विंटर्स मैंने इसको फुल सनलाइट दी थी, अभी जब गर्मियाँ आई हैं तो मैंने इसको थोड़ा सा उतार के ऐसी जगह पर रख दिया है जहाँ इसको मॉर्निंग की 3-4 घंटे की सनलाइट मिल जाती है और थोड़ा सा इसको ग्रीन नेट का भी शेड मिल जाता है। वैसे ये फुल सनलाइट भी ये प्लांट झेल लेता है और बहुत ही हरा भरा और पूरे साल ग्रोथ करने वाला प्लांट है, 12 महीने इसके अंदर ग्रोथ चलती रहती है। तो इस तरीके से हम अपनी सारी कटिंग्स लेते रहेंगे, साथ साथ मैं आपको इसकी केयर भी शो करती रहूँगी। फुली इंडोर प्लांट नहीं है फ्रेंड्स, कुछ लोग कहते हैं कि आप इसे इंडोर रख सकते हैं। हाँ, इंडोर आप रख सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ किसी ऐसी विंडो पे जहाँ मॉर्निंग की इसको 2 से 3 घंटे की सनलाइट मिले। अब देखिए हमने अपनी 6-7 कटिंग ले ली हैं और कटिंग लेने के बाद हम नीचे की लगभग 1.5 से 2 इंच की सारी लीव्स हटा देंगे और जो छोटी छोटी सी टहनियाँ साथ में निकल रही हैं वो उनको भी कट कर देंगे, तो उससे हमारी रूटिंग होने में आसानी होगी। उसके पीछे क्या रीज़न होता है वो भी मैं बता देती हूँ कि ज़्यादातर लोग ये तो बता देते हैं आपको कि इसको काट लेंगे, लेकिन क्यों काटेंगे, इसलिए क्योंकि ये लीव्स जब हमारी मिट्टी से टच होंगी तो ये फंगस क्रिएट कर सकती हैं और हमारी कटिंग्स को ख़राब कर सकती हैं, इसलिए हम नीचे की 1.5 से 2 इंच की सारी पत्तियों को हटा लेंगे। और अब इस तरीके से सारी पत्तियों को देखिए मैंने हटा लिया है और अपनी कटिंग्स को जो है तैयार कर लिया है। थोड़ा सा स्लांटिंग कट आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। वैसे जेट प्लांट की कैसी भी कटिंग कैसी भी मिट्टी में चल जाती है और किसी भी मौसम में आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं, 12 महीने इसकी कटिंग चल जाती है। ये मौसम बहुत अच्छा है इसलिए मैं इस समय लगा रही हूँ। देखिए ये 2 मैंने DIY प्लांटर तैयार करे हैं, एक ये मैंने इसको पेंट कर लिया है, नीचे से मैंने इसमें होल भी कर दिया है, और एक ये मेरा पुराना कॉफ़ी मग है जिसमें कि मैंने होल नहीं करा है। इसके अंदर मैंने खाली सैंड भरी है और कॉफ़ी मग के अंदर मैंने गार्डन सॉइल, कोकोपीट और सैंड, इन तीनों का मिक्सचर लिया है, इसके अंदर मैंने होल नहीं करा है। हाँ, नीचे मैंने इसमें कुछ जो है चारकोल के पीस डाल दिए हैं जिससे ओवर वाटरिंग से प्लांट ख़राब नहीं हो। वैसे भी जेट प्लांट को हमें बहुत कम पानी देना पड़ता है, इसलिए हमारे कॉफ़ी मग में ये कटिंग्स आराम से चल जाएंगी। थोड़ा सा स्लांटिंग कट मैंने लगा दिया है और देखिए जो मैंने आपको बताया था कटिंग क्यों नहीं चलती हैं, जब तक नोड एरिया मिट्टी के अंदर नहीं जाएंगे तब तक जो है आपकी कटिंग में रूटिंग नहीं होगी और कुछ टाइम बाद आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हमारी जड़ें जो होती हैं वो नोड एरिया से ही निकलती हैं। अब पानी से डिप करके मैं यहाँ पे रूटिंग हार्मोन का यूज़ कर रही हूँ, कटिंग एड का मेरे पास है, अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं और अगर नहीं है तो आप उसके बिना भी लगा सकते हैं, या आपके पास एलोवेरा जेल हो तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं, बट मेरे पास कटिंग एड है तो मैं कटिंग एड का यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से 1.5 से 2 इंच तक हम मिट्टी के अंदर इंसर्ट करके ये खाली हम सैंड में लगा रहे हैं और थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर देंगे। देखिए मैं एक और बताती हूँ आपको, थोड़ा सा गीला करेंगे जिससे हमारा ये रूटिंग हार्मोन वाला पाउडर अच्छे से लग जाए। फ्रेंड्स, रूटिंग हार्मोन वाला पाउडर यूज़ करने से एक फ़ायदा ये भी होता है, इसके अंदर रूटिंग तो आसानी से और जल्दी हो तो जाती है और साथ में हमारी कटिंग को फंगस से भी ये बचाता है। तो इसलिए आप एक अगर आपको जो है पौधों लगाने का शौक है, कटिंग्स लगाने का, तो आप एक जो है रूटिंग हार्मोन की डिब्बी ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम अपने दोनों DIY प्लांटर्स में इस कटिंग लगा लेंगे और हल्का सा प्रेस करते जाएंगे। तो एक में मैंने 4 कटिंग लगाई हैं और दूसरे में भी मैंने 4 कटिंग लगाई हैं, इस तरीके से दोनों में मैंने 4-4 कटिंग लगा दी हैं। और अब इसमें बहुत ही कम थोड़ा सा ही पानी देंगे क्योंकि ज़्यादा पानी से कटिंग ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए देखिए मैं बिल्कुल ज़रा सा ही पानी दे रही हूँ। आप इसमें जो है स्प्रे बॉटल का यूज़ भी कर सकते हैं, स्प्रेयर से भी पानी दे सकते हैं। अब बाद में हम इसमें जब भी पानी देंगे, यानी मिट्टी जब हमारी बहुत अच्छे से सूख जाएगी तब हम इसमें पानी देंगे, बिल्कुल स्प्रे बॉटल से ही देंगे। स्प्रे बॉटल के पानी से स्प्रे करने से कभी भी आपकी ओवर वाटरिंग नहीं होगी।
तो इन दोनों को कम से कम अभी हम स्टार्टिंग में 6 से 7 दिन तो बिल्कुल शेडी प्लेस में रखेंगे। उसके बाद हम विंडो पे या किसी ऐसी जगह पे बालकनी में किसी ऐसे कॉर्नर में रख देंगे या किसी बड़े प्लांट के नीचे जहाँ इसको हल्की सी छन छन के मॉर्निंग की बस सनलाइट मिल जाए, क्योंकि एकदम डायरेक्ट सनलाइट में रखने से इसमें रूटिंग नहीं होगी। चलिए फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वैसे जेट प्लांट एक सिंगल लीफ से भी ग्रो हो जाता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि फिर अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तब तक आप भी अपने जेट प्लांट को मल्टीप्लाई कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट में नए खूब सारे प्लांट बनाइए। और कटिंग नहीं है तो पास पड़ोस में किसी से कटिंग लेकर आप फ्री में इस तरीके से काफ़ी सारे प्लांट घर पर ही तैयार कर सकते हैं।